दोस्तों बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो हवा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार तुम कॉपी चेक होते हुए देख लोगे ना तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि इस तरह से चेक होती हैं हमारी बोर्ड परीक्षा की कापियां। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ बातें दोस्तों, आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में कि किस तरह से चेक होती हैं यूपी बोर्ड की कॉपियां या किसी भी बोर्ड की कॉपियां एक्स वाई जेड किस तरह से चेक होती हैं। कुछ नहीं देखा जाता भाई साहब, इस तरह से कॉपियां चेक होती हैं कि केवल और केवल प्रेजेंटेशन पे फोकस किया जाता है। कॉपी चेक होते हुए अगर आप देख लोगे तो आप यही सोचोगे कि अगर मैं ज़रा सी भी चालाकी कर लेता, ज़रा सा भी सोच लेता कि कैसे बस प्रेजेंट करना है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और वो आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा को बिल्कुल हवा मत बनाना। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊँगा, कुछ राइटिंग के टिप्स, राइटिंग अच्छी हो ना हो बट क्या है, सुंदर साफ़ सुथरा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये तुम समझ लो कि स्केच पेन से हेडिंग वगैरह अच्छे से डालना आनी चाहिए। उत्तर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा बहुत बना बना के भी चलेगा। तो ये टिप्स ट्रिक्स दोस्तों हमेशा काम करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लास 10 से लेके IAS PCS में भी दोस्तों ये बातें चलती हैं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, चाहे भले तुम उसको अपनी तरफ से बना के लिखाना बट सादा मत छोड़ना। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातें बताई जाएंगी कि ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। जितना भी तैयार है अच्छे से उसको दोबारा पढ़ लो, रिवीजन कर लो अच्छे से। कॉपी चेक होते हुए देखो, मैं एक दो क्लिप्स लगाता हूँ यहाँ पर, एक दो क्लिप्स आप देख सकते हो, एक दो फोटो यहाँ पर देखो किस तरह से बस आपको प्रेजेंट करना है, कितनी तेज़ी से दोस्तों कॉपी चेक होती है बोर्ड एग्जाम में। पास तो आप हो ही जाओगे, वो भी अच्छे नंबरों से, बस आपको थोड़ी सी चालाकी करना है, भर देना कॉपी अच्छे से, कुछ नहीं करना, कॉपी ढंग से भर देना। और दूसरी बात है ये कि कॉपी थोड़ा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, कि थोड़ा सा अच्छा लिखना, थोड़ी हेडिंग वेडिंग सही से डालना, तो आपका काम दोस्तों आसानी से बन जाएगा। पास होना तो बहुत सिंपल बात है, आप अच्छे नंबर से दोस्तों पास हो जाओगे, बस इतनी सी आप टिप फॉलो करना। इतनी तेज़ गति में कॉपी चेक होती, कोई कुछ नहीं देखने वाला दोस्तों, कोई कुछ नहीं पढ़ने वाला, बस आपको अच्छे से जितना आता है। जो बच्चे अच्छे जिन्होंने तैयारी की है वो और अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की तो उनके लिए ये टिप है कि वो क्या करें, तो वो यही करें कि बस उतना तैयार कर लें जितनी ज़रूरत है और फिर अपना उसी को प्रेजेंट करें, बना बना कर लिखें, हेडिंग वगैरह अच्छी डालें, कॉपी ढंग से भर के आएं। राइटिंग अच्छी होती है तो उसका फ़ायदा दोस्तों मिलता ही है, ये बात निश्चित है, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है तो कट्टम पिट्टम नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरी राइटिंग होना चाहिए। स्वच्छ लिखो, सुंदर लिखो, चाहे ना लिखो। गाइज उम्मीद करता हूँ बात आप लोग समझ गए होंगे, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा ये उनके लिए वीडियो था, ये बात कमेंट में कहना कि जो होशियार लोग हैं या जिन्होंने पढ़ रखा है उनका क्या होगा, उनका तो बहुत और अच्छा होगा। ठीक है, समझ रहे बात को, तो प्रेजेंट उनको भी ध्यान देना चाहिए कि कॉपी को हमेशा अच्छे से प्रेजेंट करें, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो ही दोस्तों अच्छे नंबर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।